राजधानी में रविवार की रात पकड़ाए सेक्स रैकेट में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये पूरा रैकेट माँ बेटे मिलकर चला रहे थे। सालों से चल रहे इस रैकेट में दलाल महिला एक दफे पहले भी जेल की हवा खा चुकी है। जेल से छूटने के बाद दलाल महिला ने फिर से उसी गंदे धंधे को शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस के कानों कान खबर तक नहीं हुई। दलाल महिला अपने घर में ही रैकेट चला रही थी, जबकि बेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लड़कियों की तलाश करता था। इस सेक्स रैकेट में काम की तलाश और गरीबी की मारी लड़कियां अपना जिस्म बेचकर अपना गुजर बसर कर रही थी। इस मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी अभिषेक महेश्वरी ने बताया कि सेक्स रैकेट चलाने वाले माँ बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनैतिक कार्य करा रही थी, उसकी अरेस्टिंग की गई और उसने पूछताछ पे बताया कि उसका नेटवर्क दुर्ग और राजनांदगांव में भी है और उसका लड़का भी इस धंधे में शामिल है। फिर उसकी सूचना पर दुर्ग और राजनांदगांव से कुछ लोगों की अरेस्टिंग की गई और उसके लड़के को भी अरेस्ट किया गया है। टोटल इस मामले में 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और इनके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज किया गया और कबीरनगर में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों में एक नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस धंधे में आरोपी युवक मुकेश वर्मा लड़कियों को पहले अपने प्यार में फंसाता था, जिसके बाद पैसों का लालच देकर इस धंधे में धकेला करता था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी और भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस गोरख धंधे में महिला दलाल के संपर्क में करीब 30 से ज्यादा लड़कियों के होने की खबर पुलिस को मिली है, जिसमें अधिकतर दुर्ग सहित राजनांदगांव के रहने वाली लड़कियां हैं। देश टीवी के लिए निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।